हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सो सभी लोगों गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके इस प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एसबी क्लर्क की बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों को। और आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, और इसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करती हैं फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स में। मैंने आपको बताया था कि देखें, यहाँ से जो पेपर है वो आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। उसमें आपका देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले ये समझ लो, फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स का मतलब है वो चीज़ें जो आपको एग्जाम में सबसे पहले सॉल्व करनी है। तो इसमें बच्चा आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, इसमें आपका नंबर सीरीज आ जाती है, ठीक है। इसमें आपका नंबर सीरीज के बाद इसमें आपका आ जाता है इनइक्वलिटी, और इसमें आ जाता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। तो ये वो चैप्टर हैं जो इस फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, और यही हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो सभी लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए मेरे साथ एक बेहतरीन सा सेशन करने के लिए, और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यस, आप सभी लोग इस सेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को एक बार सेशन को जल्दी से शेयर भी कर देना है, ताकि जो और आपके साथी हैं वो भी इस सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी लोगों को उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने परिवर्तन 2.0 बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो परिवर्तन 2.0 की मेरी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ SBI, IBPS, RRB, RBI और LIC जैसे एग्जाम्स को, जहाँ पर आपको 100+ आवर्स लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, जिनकी वैलिडिटी 12 मंथ होगी। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा एवरी सैटरडे, उसका YT यानी कि यूट्यूब पर डिस्कशन होगा संडे में, साथ ही साथ आपके लिए डाउट सेशन। और क्लास की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 3:30 बजे तक है, तो डेली बेसिस पे आपको इसको अटेंड करना है। और जितने लोग परचेस कर चुके हैं बेल्डन, जितने लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है, उन सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि परिवर्तन 2.0 की जो लास्ट डेट है बच्चा, वो 20 मई है, और फी जो है वो 1499 रुपीज़ है। ये केवल एक सिंगल कोर्स के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रकार की किसी भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप और बाकी फैकल्टी मेंबर से पढ़ना चाहते हैं, प्रीति मैम, अनिल सर, राजेंद्र सर, पीयूष सर, ज्योत्सना मैम, रूपम मैम, नैंशी मैम या फिर रोहित सर, तो इन सभी के बैचेस भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिलते हैं। इसके अलावा ये तो होगी केवल बैंकिंग की बात, है ना, बैंकिंग में किन किन के बैच मिलेंगे ये तो मैंने बता दिया, साथ ही साथ आपको अदर चीज़ों की बैचेज भी जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वो सारे कोर्सेस हैं, अगर आप डिटेल कोर्सेस का एनालिसिस करेंगे तो ये वो सारे कोर्सेस हैं बैंकिंग के, जो यहाँ पर हम लोग आपको कवर अप करा रहे हैं, और वो भी प्री और मेंस दोनों के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये क्लासेस हैं वो आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए हैं, मतलब एक बार आपको कंबाइंडली फी जो है फी पे करना है, इसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत कम फीस पर, बहुत नॉमिनल चार्जेस पर ये सारे कोर्सेस आपको कवर अप कराए जा रहे हैं। तो आज ही जाके आप डाउनलोड करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को, और आज ही परचेस करिए कोर्स। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो ये जो दिए गए नंबर हैं इन पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नंबर सीरीज के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के आप लोग लर्नर्स अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक वो जो लोग जिनकी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जिनका कंप्लीट है, और एक वो जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है, एक वो बच्चे हैं जो लर्निंग प्रोसेस में हैं, और एक बच्चे वो हैं जिनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो अगर बच्चा आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फटाफट से आपको आंसर करना है, और अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो आपको जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं उन टेक्निक्स को सीखना है, और साथ ही साथ उनके व्यापार पर क्या करना है, आंसर करना है। तब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इसमें क्या है, रैपिडली चेंज है। सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी कभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उसमें चेंज कैसा है, रैपिडली है या स्लोली है या फिर और कुछ चीज है। तो हमें साफ साफ नजर आया कि रैपिडली चेंज है, मतलब बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और जब भी कभी बहुत तेजी से चेंज होता है तो फिर वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन से उस वैल्यू का या उस सीरीज का हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। कभी भी रैपिडली चेंज मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोसेस लगेगी, और
और रॉन्ग टर्म निकालना है। आज देखिए मैंने मिक्सअप सीरीज ली है, कहीं पर रॉन्ग टर्म निकालना है आपको, तो कहीं पर आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक मिनट, सभी लोग रुक जाएंगे। चलो, तो यहां पे हम लोगों को इस सीरीज में पता करना है कि जो रॉन्ग टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है, सो फटाफट से सभी लोग जल्दी से आंसर करें, देखता हूं कितने बच्चे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कर पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करते हैं, और जितने लोग भी उत्तर कर लेंगे उन सभी को, वो सभी बच्चे ये समझ जाएंगे कि यार उनकी तैयारी जो है वो बहुत क्या है, अच्छी है ना, उनको ज्यादा कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को और रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी मल्टीपल सीरीज होगी तो लगभग में आप देख लिया करो, लगभग में यहाँ पे बच्चा कितना है, दो गुना है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो लगभग में कितना है, चार गुना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग में आपको कितना नजर आएगा, छह गुना नजर आएगा, है ना, कितना नजर आएगा, छह गुना नजर आएगा आपको, हो गया। अब देखो यहां से यहां पे आपको देखना है कि लगभग में हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना गुना है। इस तरीके से आप क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और एक पैटर्न जो है यहां पर आपको मिल सकता है कि पैटर्न जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अब यहां पे क्या है, जो 1152 है ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा नंबर है, और अगर बड़ा नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लगभग में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देखो 1440 इसका 10 गुना होगा, मतलब 10 गुने से तो कम आएगी वैल्यू। अब यहां पे चार है और यहां पे इकाई के अंक पे दो है, तो चार में किसका गुणा करें कि इकाई के अंक पे दो आ जाए, तो आप कहेंगे आठ का। यहां पे पैटर्न भी समझ लीजिए, दो का गुना, चार का गुना, छह का गुना, आठ का गुना, इस हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए, दस का गुना होना चाहिए। तो आप देखो सारी चीजें हमारे पास यहां पे बैलेंस है, ये इसका दो गुना है लेकिन ये इसका चार गुना नहीं है। अगर ये इसका चार गुना होता तो आराम से इसका छह गुना हो जाएगा, ये इसका आठ गुना हो जाएगा, ये इसका दस गुना हो जाएगा। यानी कि हम लोग समझ गए यहां पे कि जो 25 हम लोगों को यहां पे नजर आ रहा है ये क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी का जवाब बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो भैया, सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी को समझ में आ गया। देखो आज बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और क्या क्या लिया है ये भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं। पांच नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, पांच इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, और पांच डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बच्चा स्लोली चेंज है, और जब भी कभी क्या होता है, जब भी कभी स्लोली चेंज होता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, डिफरेंस लगाते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लगाएंगे और डिफरेंस से रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो जब आप यहां से यहां पर पहुंचोगे तो देखिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 49 का आएगा। ठीक है, प्लस का 49 यहाँ पे चल रहा है। अगर आप यहां से यहां पे देखोगे तो देखो यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्लस में हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना बचता है, 21 यहां से बचता है, तो ये 800 हो जाएगा, और फिर 104 और, तो 21 में 104 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से यहां पर देखते हैं तो बच्चा यहां से यहां पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस का 9 होगी। फिर यहां से यहां पर वैल्यू देखते हैं तो यहां पर कितनी होगी, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर प्लस का 7 होगा। अब आप देखो यहां पर हमें पैटर्न बनाना है, तो ये क्या चल रहा है, सबसे पहले देखो ये बच्चा यहां पर है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5 का क्यूब, फिर ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहां पर बच्चा देखो क्या होना चाहिए, यहां पर ध्यान से समझना, 7, फिर हमारे पास 5 आया, फिर 3 आया, इस हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, सारे के सारे बच्चा क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर्स चल रहे हैं। अब आप देखो यहां पर स्क्वायर था, यहां पर क्यूब था, यहां पर फिर से स्क्वायर था, तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, 1 का क्यूब यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब 913 से अगर हम 1 का क्यूब हटाएंगे तो यहां पर जो 920 है ये नहीं आएगा, इसका मतलब 920 ही हमारा क्या हो जाएगा, और रॉन्ग टर्म हो जाएगा, 920 ही हमारा क्या हो जाएगा, और रॉन्ग टर्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास यहां पर है वो हमारा क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं जल्दी से अगले एग्जाम्पल पर, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3।
फिर से सीरीज को देखना है। देखो सीरीज एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक और खासियत है सीरीज की, यहां पर आप देखो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या है छोटा है, और फिर सारी जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है कि पहले के बाद दूसरा टर्म छोटा होता है तो ऐसी सीरीज को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल सीरीज। लेकिन डेसिमल में भी तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसी सीरीज है? ये डेसिमल में मल्टीपल सीरीज है। ये क्या है? डेसिमल मल्टीपल सीरीज है। इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? डेसिमल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डेसिमल में। तो आइडेंटिफाई करना यानी सीरीज को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप देखो यहां से यहां पे कितना होगा, 0.5 का गुणा होगा, होगा कि नहीं? आधा है। यहां पर आप देखो यहां से अगर हम लोग यहां पे पहुंचेंगे तो ये 1.5 का मल्टीप्लीकेशन है। कैसे? 32 का एक में गुणा करोगे 32 आएगा, 32 का आधा कितना होता 16, और 32 और 16 कितना हो जाएगा 48। तो अब आप इस हिसाब से देखोगे तो देखिए यहां पे कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, यानी कि 48 का दोगुना कितना हुआ, 48 का दोगुना होगा बच्चा 96, और 48 का आधा कितना होगा 24, और 96 में जब आप 24 ऐड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 110 ना आके कितनी आएगी, 120 आएगी। कितनी आएगी? इसकी जगह पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 120 आएगी। अब देखिए यहां पे चीजें खत्म नहीं हुई, अब आपको देखना है कि यहां से यहां पर जब हम पहुंचे तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए कितने का, 3.5 का। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 120 का जस्ट जब हम लोग डबल करते हैं, सॉरी ट्रिपल करेंगे, तो 120 का तीन गुना कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और 360 में 60 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 420। इसका मतलब अगला टर्म बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब हमारी सीरीज भी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। और हम लोगों को यह भी पता लग गया कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को नजर आ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, और रॉन्ग टर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलो बढ़ जाते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आगे, एग्जाम्पल नंबर 4, और देखना है कि इस एग्जाम्पल नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, जल्दी से देखते हैं। देखो सबसे पहले सीरीज को पहचानना है, फिर से देखें पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है, और यहां पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, रॉन्ग टर्म पता नहीं करना है। और ध्यान रखना है जब भी हमसे मिसिंग टर्म पूछा जाता है तब हमेशा सीरीज आसान होती है, क्योंकि आपको एक लंबा समय मिलता है पैटर्न को समझने का। ठीक है, तो यहां से यहां पर देखो कैसे जाओगे, हमने कहा आपसे कि पहले के बाद अगर दूसरा कम हो रहा है इसका मतलब डेसिमल सीरीज है, 0.5 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, प्लस में हमें 1 करना पड़ेगा तब कितना मिलेगा, 4। ऐसे यहां पे देखो 4 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां पे देखो 5 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा, आएगा कि नहीं? इसी हिसाब से अब देखो क्या होना चाहिए, आप यहां पे देखते रहिएगा, 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है कि नहीं, इंटू 2 प्लस 1 बिल्कुल चल रहा है। अब देखो 0.5 का दोगुना हुआ था, 1 का दोगुना हुआ था 2, तो 2 का दोगुना कितना होगा, 4 होगा, 2 का दोगुना यहां पे कितना आएगा, 4, यानी कि 11 में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, आप कहोगे हाँ। अब यहां पर आपने जैसे देखा कि अगर हम 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो रही है, 44 हो रही है, लेकिन यहां पे तो बच्चा हमारे पास कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, यहां पर वैल्यू कितनी है, 39। तो अगर हम लोगों से रॉन्ग टर्म पूछा गया होता तब तो भैया ये सही था, तब तो क्या था, ये सही था, लेकिन हमसे रॉन्ग टर्म यहां पर नहीं पूछा गया है। और अगर हम लोगों से रॉन्ग टर्म नहीं पूछा गया इसका मतलब अब हमें यहां पर सोचने वाली बात होगी कि क्या हमारा ये पैटर्न बनेगा या हमारे पास पैटर्न कुछ और बनेगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पर ऐसे केस में जब भी फंसते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिमाग बच्चा ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है जब भी कभी आपका सीधा सीधा आंसर नहीं आता, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप देखो इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो फेल हो गया, तो या तो आप इसी के आसपास कुछ और सोचने का प्रयास करो, या फिर कई लोग क्या करते हैं इसमें डिफरेंस भी ले लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने यहां पर डिफरेंस लिया तो बच्चा यहां से यहां पर डिफरेंस कितना हुआ, माइनस का 2, यहां पर कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ, यहां से यहां पर देखोगे तो कितना हुआ, प्लस का 6 हुआ। ठीक है, यहां से यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ, प्लस का 28 का हुआ। अब आप देखो अगर यहां से यहां देखना चाहो तो यहां पे कितना हो रहा है, प्लस का 3, यहां पे कितना हो रहा है, प्लस का 5,
यहां पे देखोगे तो यहां पे कितना हो रहा है, यहां पे प्लस का 23, तो आपको देखो नजर आ रहा होगा कि ऐसे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तुक्का में पैटर्न मत बनाना, ऐसा नहीं कि तुक्का में कुछ भी पैटर्न बना लो, हमेशा पैटर्न जो आपने सीरीज पहचानी उसी के आसपास होगा। 6.5 जब आपने किया तो यहां पे हमारे पास वैल्यू बची 3, और 3 में जब हम लोगों ने 1 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 4 आया, ये ओके था। 4 × 1 जब आपने किया, ठीक है, और इसमें प्लस 1 किया तो आपको 5 मिल गया, ये भी ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपने यहां पे क्या किया, 5 × 2 किया, है ना, 5 × 2 किया और प्लस में क्या किया, प्लस में किया 1, तो आपको जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 11 मिली, कितनी मिली, 11 मिली। अब आप देखो यहां से एक बात तो समझ गए आप कि यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो प्लस 1 का चल रहा है, यानी आगे भी किसका आएगा, प्लस 1 का आएगा, ठीक है। अब यहां पर जो पैटर्न है देखो, एक तो हमें नजर आ रहा है कि यहां पर दुगना चल रहा है, एक और क्या नजर आ सकता है, यहां पर 0.5 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ऐसा भी हो सकता है यहां पे कितने का डिफरेंस हो, 1.5 का, यानी यहां पे कितना आ जाए, 3.5 आ जाए, यहां पर मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 11 का करना पड़ेगा, ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर बच्चा हम लोग ऐसे देखेंगे तो देखिए 11 × 3 कितना हो गया, 33, ठीक है, और 11 का 0.5 मतलब आधा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, और प्लस में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 33 में 5 जोड़ा 38 और 1 39, तो ये 39.5 आएगी, ठीक है, ये कितनी आएगी, 39.5 आएगी। अब देखो इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, 39.5 × यहां पे कितना था, 0.5 का डिफरेंस, यहां पे 1 का डिफरेंस, यहां पे 1 पॉइंट का, तो अगले में कितने का डिफरेंस होगा, अगले में यहां से जब यहां पे जाओगे तो 2 का डिफरेंस होगा, यानी प्लस 2 चल रहा होगा, तो 3.5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चा, 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.5, यानी कि 39.5 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कर लोगे सभी लोग, कर लोगे कि नहीं, अब ये मान लीजिए आपने किया और इसके बाद इसमें क्या करना है, प्लस 1 भी करना है, क्योंकि प्लस 1 का पैटर्न जो है वो सभी जगह चल रहा है। तो अब आप देखो इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन से आंसर मैच कर रहे हैं, जरा देखो अगर हम 40 मान लें तो 40 का 5 गुना 200 होता है, और आप देखो एक भी ऑप्शन हमारे पास 200 के आसपास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये जो पैटर्न हम लोग बना रहे थे ये पैटर्न भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, ये पैटर्न भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, अब आपको बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से सीखना है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं और आप हमेशा क्या करते रहते हो, फिर उन्हीं क्वेश्चंस में लगे रहते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो आप, उन्हीं क्वेश्चन में लगे रहते हो। तो ध्यान रखना अगर कभी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपसे एक बार में या दो बार में वो सॉल्व नहीं होता है तो आपको उसमें ज्यादा नहीं लगे रहना है, आपको क्या करना है, जल्दी से उस पर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 6 × 1 किया और -2 किया, ऐसे भी तो हमारे पास 4 आ सकता है, आप कहोगे हाँ सर आ सकता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा हम इसमें 4 × 2 − 3 करें तो क्या हमारे पास 5 आ सकता है, आप कहोगे हाँ सर आ सकता है। अगर बच्चा हम लोग 5 × 3 − 4 करें तो क्या हमारे पास 11 आ सकता है, आप कहोगे आ सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग 11 × 4 − 5 करें तो क्या हमारे पास 39 आ सकता है, आप कहोगे आ सकता है। तो 39 × क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा और माइनस में कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों का गुणा करें, 40 का 5 गुना कितना होता है 200, 5 हमने ज्यादा ले लिया यानी कि 195, और 195 से हमें 6 क्या करना है माइनस, तो यहां पर कितना बनेगा 189 बनेगा, कितना बनेगा 189, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना देखो ये पैटर्न जो आपने बनाया ये पैटर्न गलत नहीं था, पैटर्न सही था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये पैटर्न सही नहीं था क्योंकि यहां पर हमारे पास आंसर जो है वो नहीं मिला। हालांकि देखो आप यहीं पे समझ गए थे कि 39.5 आ रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न जो है वो हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आगे, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, फिर से हमें यहां पर नेक्स्ट टर्म निकालना है।
सीरीज को देख के हमें नजर आ रही कि रैपिडली चेंज है, ऑप्शन भी देख लीजिए सीरीज भी देख लीजिए, रैपिडली चेंज है, इसका मतलब आंसर किस पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे आएगा, क्योंकि जब भी बहुत तेजी से परिवर्तन होता है तो आंसर हमेशा किस पे आता है, मल्टीप्लिकेशन पे आता है। तो यहां से देखो क्या चल रहा है, इंटू वन प्लस वन, यहां पे देखो क्या चल रहा है, इंटू टू प्लस टू, यहां पे देखो क्या चल रहा है, इंटू थ्री प्लस थ्री, तो यहां पे इस हिसाब से क्या होगा, इंटू फोर प्लस फोर होगा, और यहां पर बच्चा क्या होगा, यहां पर इंटू फाइव प्लस फाइव होगा। बस यही काम आपको करना है। तो देखो 250 का पांच गुना सीधा कर सकते हो, या फिर पांच का छह में गुना करो तो कितना, 30 हासिल कितनी आएगी, जीरो आएगी, सॉरी जीरो आएगी, हासिल आएगी 3, फिर पांच का पांच में गुणा करेंगे तो 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 का 8 हासिल 2 होगी, पांच का 2 में करेंगे 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 1280 ये, और पांच बच्चे इसमें हमें क्या करना है और ऐड करना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1285 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1285 हो जाएगी। बोलो कन्फर्म हुआ ये बात, जल्दी से बताइए, 1285 यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर सही जवाब बन जाएगा। तो पांचों के जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे, आई होप, मुझे पूरा का पूरा यहां पर भरोसा है। ठीक है, जल्दी से आते हैं अब हम लोग इस पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे। तो देखिए ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कहा गया, कहा गया है कि रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, जो ग्राफ है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, बताया गया कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, इन डिफरेंट डेज इन 1000, यहां पर जो हमारे पास पैसेंजर्स हैं, देखो टोटल पैसेंजर का डेटा है, फीमेल पैसेंजर का डेटा है, टोटल पैसेंजर का डेटा किससे दिखाया, ब्लू लाइन से दिखाया है, और फीमेल पैसेंजर्स की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल पैसेंजर्स का जो डेटा है वो किससे दिखाया है, रेड लाइन से दिखाया है, और थाउजेंड्स में मतलब 120K का मतलब क्या होगा, 1,20,000। ठीक है, लोग हमारे पास टोटल पैसेंजर हैं, जिसमें से 70,000 क्या है हमारे पास, फीमेल है। देखो साफ साफ कहा उन्होंने कि जो डेटा है हमारे पास वो किसमें है, 1000 में। तो बड़ा आसान डेटा है, केवल क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एवरेज ऑफ मेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर्स। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस लो बच्चा कितना आएगा, 50 आएगा। ऐसे अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 50 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। तो देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पे संख्या निकाली है, ये हमारे पास संख्या किसकी आई है, ये हमारे पास सारे मेल कैंडिडेट आ गए, क्योंकि जब हम लोग टोटल पैसेंजर से फीमेल्स को हटा देंगे तो क्या मिलेंगे, मेल्स, इनको ऐड करना है, 50 50 100, 100 में 80 जुड़ेगा तो 180, 180 में 70 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 250, और 250 में हमें 75 और जोड़ना है तो 325 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास 325 आ जाएगी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज, क्या निकालना है बच्चा, हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस वैल्यू को हमें 5 से भाग करना पड़ेगा। ध्यान रखना डेटा 1000 में था, इसका मतलब 3 जीरो हमें इसमें और बढ़ाने पड़ेंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 5 6 जा 30, बचेगा 2 हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, और ये जो 3 जीरो थे वो ऐसे आएंगे, यानी कि 65,000 ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर ई ये हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सभी मेरे प्यारे बच्चे बता देंगे कि इन क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे भरोसा है कि समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, है ना, और एसबीआई क्लर्क के लेवल के क्वेश्चन, यानी एसबीआई क्लर्क में जब आप देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 7 जल्दी से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। देखो बात हो रही ट्यूजडे की, ट्यूजडे ये है और वेडनेसडे ये है। अगर बच्चा हम लोग यहाँ पर मेल पैसेंजर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर मेल पैसेंजर कितने आए थे, 50 आए थे, और यहाँ पर अगर मेल पैसेंजर की बात करें तो कितने आए थे, 70 आए थे। तो इन्होंने कहा कि जो इसमें मेल पैसेंजर्स हैं वो लगभग कितना प्रतिशत ज्यादा है, किससे, द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रेवल ऑन थर्सडे, थर्सडे वालों से कितना ज्यादा है। तो देखिए थर्सडे का डेटा कितना है, 80, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो 120 वैल्यू है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, किससे, 80 वाली वैल्यू से, कंपैरिजन 80 से हो रहा है इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 80, और इनटू में हमें क्या करना है, 100 करना है। तो 40
देखिए इनका डिफरेंस 40 हुआ, 40 80 कितनी बार, दो बार, और दो से जब आप 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, यानी कि 50% हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, स्पीडली करना है और आप सभी लोग भी स्पीडली करेंगे, है ना, जितना स्पीड में आप कर सकते हो उतना स्पीड में करिए, फटाफट से सेशन को फिनिश करेंगे। कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल्स ऑन संडे एंड ट्यूजडे, ठीक है, देखो संडे की बात हो रही है और ट्यूजडे की बात हो रही है, किसकी, मेल की, तो संडे में मेल कितने हैं भैया, 50 हैं, ट्यूजडे में अगर हम लोग मेल की बात करें तो ट्यूजडे में मेल कितने हैं, यहां पर भी 50 हैं। इन्होंने कहा कि इनकी जो संख्या है एंड द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु ट्रेवल ऑन थर्सडे, थर्सडे में जो फीमेल पैसेंजर है वो कितनी है, 100 है, तो देखो 50-50 इनकी संख्या भी कितनी हो रही है, 100, और फीमेल की संख्या भी कितनी हो रही है, 100, रेशो निकालना है तो बच्चा रेशो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑन मंडे एंड ट्यूजडे। अब बात मंडे और ट्यूजडे की हो रही है, तो बच्चा मंडे में कितने पैसेंजर्स हैं, मेल पैसेंजर्स 75 और ट्यूजडे में कितने हैं, 50 मेल पैसेंजर्स हैं। इन्होंने कहा इनकी जो संख्या है एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ऑन द सेम डे, और केवल जो फीमेल वाली संख्या है उनके बीच, तो देखो 75 + 50 अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, वो वैल्यू होगी हमारे पास 125, तो ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ऐसी हम लोगों को फीमेल निकालनी है, तो देखो 85 और 60 इन दोनों की संख्या कितनी होगी, 145 होगी। इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा, और सारी वैल्यूज के में है, इसका मतलब 20 के हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एक मिनट देख लीजिए, 125 आ रहा है ना, हाँ ये 125 आ रहा है, और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये 145 आ रहा है, बिल्कुल 20 के डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 के ऑप्शन में नहीं है, तो इसको सबसे पहले तो करेक्ट करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। चलो फटाफट से कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा, यानी कि 20 के विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से अगले और अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं डीए के, देखो इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि इफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन फ्राइडे, ठीक है, इज 20% मोर देन द टोटल पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे की बात हो रही है और फ्राइडे की बात हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्राइडे का कोई भी डेटा हमारे पास यहां पे नहीं दिया है, तो चले तो फ्राइडे का डेटा बच्चा हमारे पास यहां पर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर फ्राइडे का डेटा नहीं है, ठीक है, लाइट जो है वो गोवेंट गॉन हो गई है, तो मैं अपने आप को भी गोवेंट गॉन कर देता हूं, है ना। चलो जल्दी से देखें, यहाँ पे मैंने बताया कि फ्राइडे की बात हो रही है, फ्राइडे का डेटा कोई आपको यहाँ पे दिया नहीं गया, तो फिर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट से कैलकुलेट हो जाएगा। फ्राइडे का डेटा हम लोग निकाल लेंगे, जिससे उन्होंने कंपैरिजन किया है उसके आधार पर, उन्होंने कहा कि फ्राइडे में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो 20% ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल्स इन वेडनेसडे, जो वेडनेसडे में ट्रेवल करते हैं उनसे, तो वेडनेसडे में टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 140, ठीक है, तो वेडनेसडे में अगर बच्चा 140 है, इस वैल्यू पे हमें क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा, 20% का मतलब 28 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10% कितना आएगा, 14 आएगा, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी फ्राइडे में, 168 हो जाएगी, फ्राइडे में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168। उन्होंने कहा कि एंड द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल पैसेंजर इज 3:5, मेल और पैसेंजर्स के बीच 3:5 का रेशियो है, यानी इनमें मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3:5 का दिया है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स हु ट्रेवल्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में जो ट्रेवल करते हैं उनकी बात बताओ, तो देखें अगर हम लोग यहां से टोटल करें तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 168 दी गई है। तो अच्छा अगर हम लोग यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर हमारे पास 21 हो जाएगी। और उन्होंने पूछा है क्या, फीमेल्स, फीमेल का मतलब कितनी यूनिट की वैल्यू पूछी है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे यहां पे तो कितनी आएगी, 105 आएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि सारा का सारा डेटा के में दिया है, यानी कि थाउजेंड्स में दिया है, तो 3 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी हमें नजर आ रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
पांच क्वेश्चन और हैं, चलिए से इनको भी फिनिश करना है। देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं, यहां पे 12 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब गुणा करने पर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर हम लोगों को कितना लाना है, 12 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 लाना है, और जोड़ने पर देखो यहां पर प्लस का साइन है, मतलब जोड़ने पर 7 लाना है। तो यहां पर बच्चा वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी और 3 बनेगी, ठीक है, 4 और 3 बनेगी। माइनस का लाना है तो दोनों को माइनस माइनस का लेना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर प्लस में आएगा। इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे, इसको भी आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 12 करोगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे सॉल्व करते हैं तो 12 3 36 यानी कि 0.3 आएगा, और यहां पे 12 2 24 यानी कि 0.2 आएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि यहां पर 8 और 3 बनेगा, दोनों प्लस प्लस के आएंगे, इसको भी डिवाइड बाय 12 करना है, इसको भी डिवाइड बाय 12 करना है। अच्छा मैंने एक चीज और सिखाई थी कि देखिए अगर दोनों के कॉफिशियंट बराबर हो तो अगर आप डिवाइड नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, बिना डिवाइड के भी काम हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 को और 8 को कंपेयर करो तो बाई बड़ा आएगा, 3 को और 8 को कंपेयर करोगे तो बाई बड़ा आएगा, फिर 4 को और 3 को कंपेयर करोगे तो कौन बढ़ाएगा, एक्स बढ़ाएगा, और जहां पर एक बार एक्स और एक बार बाई बड़ा हो जाता है वहां पर आंसर हमेशा क्या होता है, सीएनडी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। इसमें पूरा नहीं लिखा है तो सभी लोग इसको समझ लीजिएगा, सीएनडी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं, देखो 4 का 2 में गुणा करोगे 8 आएगा, मतलब गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 9 लाना है, तो 8 और 1 ही बनेगा, क्या बनेगा, 8 और 1 ही बनेगा। माइनस का लाना है तो फाइनली प्लस में आएगा। इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, इसको भी आपको डिवाइड बाय 2 करना है, क्यों, क्योंकि कॉफिशियंट दोनों के क्या है, अलग अलग है। तो एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे ओवरऑल निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी प्लस का 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट का 5 आएगी, ठीक है। ऐसी बच्चा अगर हम लोग बाई की वैल्यू निकालें तो देखो बाई की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, 3 और 1 गुणा करने पर 3 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है, 4, तो इसकी वैल्यू भी कितनी बनेगी, 3 और 1 बनेगी। इसको आप डिवाइड बाय 3 करोगे, इसको भी डिवाइड बाय 3 करोगे, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहां पर कितनी आ जाएगी, पॉइंट का 3। तो देखिए पॉइंट का 4 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन पॉइंट का 5 1 से क्या है, छोटा है। और अगर एक बार छोटा और एक बार बड़ा आ रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर हमेशा क्या होगा, सीएनडी होगा। ऐसे केस में आंसर हमेशा क्या होगा, सीएनडी होगा, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है या उसको दिक्कत हो जाती है, तो बच्चा इसको देखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अंडर रूट यहां पर लगा है, ठीक है, तो अगर कभी भी अंडर रूट लगा हो तो एक ही तरीका है उसको हटाने का, वो है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट ही आएगा, यानी x की एक सिंगल वैल्यू आएगी और वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 8। अब आप देखो इसको अगर आप बच्चा कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपको y की 2 वैल्यू मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे y की डिग्री कितनी है, 2 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन दिमाग लगाना, इस 2 को वहां पे भेजो तो y माइनस 5 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। यानी कि एक बार y के साथ आप प्लस 3 ले लो और एक बार क्या ले लो, एक बार माइनस 3 ले लो। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि y माइनस 5 बराबर माइनस 3। तो बच्चा जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो जब ये प्लस 5 वहां पे पहुंचेगा तो 5 में 3 जुड़ेगा, 8 हो जाएगा, और जब ये वहां पे जाएगा उस साइड पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 3, यानी कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 2 हो जाएगी। आप देख लो अगर y की जगह हम 8 रखेंगे तो 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और 2 रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर तब भी कितना आएगा, 9 आएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो x से जब y को कंपेयर करोगे तो बराबर आएगा, फिर 2 को कंपेयर करोगे तो बड़ा आएगा, यानी कि यहां पर जो x है वो बड़ा आ रहा है और बराबर आ रहा है किसके, y के। तो x ग्रेटर इक्वल टू y, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है, गुणा करने पर 8 लाना है, जोड़ने पर 6 लाना है, तो 4 और 2 यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x की, कोई कॉफिशियंट नहीं है तो आसान होंगी चीजें। अब जल्दी से यहां पे y पे आ जाते हैं, देखो 6 दूना 12, मतलब गुणा करने पर 12 लाना है, जोड़ने पर 7 लाना है, तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 4 और 3 होगी, लेकिन यहां पे आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कॉफिशियंट 2 है। तो यहां पे कितना हो जाएगी ये वैल्यू, 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। 4 से जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बड़ा आएगा x, और इससे जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एक बार बराबर और एक बार क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी एक बार फिर से x की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है या फिर बराबर आ रही है किसके, y के। और ये जिस भी ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर c में है, सो ऑप्शन नंबर c हमारे यहां पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग मेरे को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। बाकी आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे एक बार फिर से, तब तक सॉरी सुबह 10 बजे, ठीक है। ध्यान रखना रात में जो 9 PM वाली क्लास है वो अब डेली आपकी 10 AM पे हुआ करेगी, तो सभी लोगों को इस क्लास को डेली अटेंड करना है, ठीक है, और सीखना है। कल से इसमें जो क्वेश्चंस है वो 20 होंगे, आज 15 ही क्वेश्चन हुए क्योंकि रोज हम लोग 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, हो सकता है मैं इसमें 25 भी क्वेश्चन कर दें, तो इसमें प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करते रहेंगे ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाए, अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। और अगर अभी तक आपने परिवर्तन 2.0 का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, 20 में लास्ट डेट है, 1499 फीस है, ठीक है, और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, समय है दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक, सारे फैसिलिटीज आपको पता है, ठीक है। तो आज के सेशन में फिर इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।